इंस्ट्रक्टर्स हैं, जाहिर है कि उन्होंने कुछ अर्न भी करना है मंथली। ऐसे ताइक्वांडो जो उनसी है वो अपने ना कवर करके, हेलमेट पहन के, ये चीज़ शीन कवर करके करते हैं, हम लोग कोई चीज़ भी नहीं पहनते नीचे, ठीक है। हमारा ये थोड़ा सा चेंज है, ये फुल कॉन्टेक्ट है, कहते वो भी फुल कॉन्टेक्ट है, लेकिन क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स है तो हम तो उनको भी लाइक करते हैं, तो वो हमारे लिए वो भी अच्छी है। ट्रेनिंग के दौरान नुकसान तो नहीं बच्चों को पहुंचा, कितने चांसेस? सर अगर टीचर पढ़ा लिखा होगा तो फिर नुकसान कम होगा, अगर जो जिस तरह आपने देखा कई जगहों पे जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती वो कराटे का थोड़ा सा करता है, बेल्ट बाजार से मिल जाती है आराम से 500 रुपये की, वो बांध के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हम ब्लैक बेल्ट, वो कहते हैं इसको रख लो पैसे तुझे हम 3,000 देंगे, वो कहता है 3 ही ठीक है, आधे घंटे की क्लास, वो कहता है ओके। उसमें उसको पता नहीं होता बच्चे को क्या कराना है। अभी आपके सामने बच्चों ने ब्रेकिंग भी की है, फाइटिंग भी की है, और अल्लाह ताला का शुक्र है किसी किस्म की इंजरी नहीं हुई। हो जाती है इंजरी, खुदा ना खासा सड़क पे चल रहे हो, साइकिल से भी गिर जाता है बंदा, मोटरसाइकिल से भी स्लिप हो जाता है, लेकिन ये कि ये आपको बैलेंस दे देती है कि आपने बैलेंस कर लेना है अपने आप को, तो वो जब एक टांग पे खड़े हो गए तो फिर बैलेंस हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स में ये फ़र्क है कि जो मार्शल आर्ट्स का बंदा है वो आम जिंदगी में दूसरे लोगों से अच्छा होता है, डिसिप्लिन वाइज, उसकी सेहत के हवाले से हर पता होता है कि मैंने किस वक्त क्या करना है, ठीक है ना जी। अभी आपस की बात है, मुझे कोई भी मार्शल आर्ट्स का नहीं मानता और ना मेरा कोई शौक है कि मैं ऐसे करके चलूँ, तो मैं तो झुक के चलता हूँ, कहीं मुझे कोई धक्का भी दे दे मैं कहता हूँ भाई आप निकल जाओ पहले, मैं तो पीछे हट जाता हूँ। असल में पहलवान वही है जी जी। सर नहीं, वो हम लोग पता है क्या करते हैं, जिस जगह हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं ना उनके स्टेज पे, वो हैमर उसको थ्रो कर देते हैं चेन को, वो ध्रस्त करके गिरता ना, तो फिर हमने लम्स में भी दिया डेमोन्स्ट्रेशन, तो लम्स के बच्चों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, उन्होंने हुटिंग शुरू कर दी, जब भी हम करते हैं ना उन्होंने हुटिंग करनी शुरू कर दी, थोड़ी देर के बाद जब इस तक हम पहुँचे तो कुछ उनके जो स्पोर्ट्स के चाहते कहते हैं हम उड़ नहीं बोलते तो चेन यू करके फेंकी स्टेज के ऊपर, उसके बाद अगर आप इनको चेक करेंगे देर मस्ट बी सम लैशेस, अगर आप ये कहें कि ये मार दिया वहाँ से, हम तो ये कहते हैं आप खुद पकड़े और मारें, आप अपनी मर्जी से मारें, इंसान है ना जी, इंसानी जान है, इसको आप जिस तरह मोल्ड करेंगे ये मुड़ जाएगा। बॉडी बिल्डर देखते हैं आप, बॉडी बिल्डर्स के ये कैसे आ जाते हैं ट्राइसेप्स बाइसेप्स कैसे आ जाते हैं, मेहनत। सर सर ये 20 ईयर्स तक तो मैंने ये आपको बता दिया, लेकिन मैं आपसे एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई बच्चा 60 ईयर्स से अब हो उसको भी मैं ट्रेनिंग कराने के लिए तैयार हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़े बच्चे के लिए सर 5 साल का, सर जो अपनी बात बता सके और हमारी बात समझ सके, अगर चुनाव बेल्ट चेंज वो ना ये मेरे बच्चे जो है ना बाई बर्थ है, ये जब पैदा हुए थे तो इनके पंच बने हुए थे, ऐसे पंच बनाना प्रॉपर हर बंदे का काम नहीं, अगर आप नोट करें लोग ऐसे पंच बनाते हैं, और अगर आप किसी को यूं मारेंगे जो अभी हमने ब्रेकिंग की, अगर आप यूं करें तो ये आपका थंब जोन से ज़रूर टूट जाएगा, और अगर आपने यूं बनाया हुआ ना तो अगर आप किसी भी चीज़ को मारेंगे और अगर वो टूटने वाली होगी तो वो टूट जाएगी, और इंजरी तो जाहिर है आएगी, क्योंकि अगर आप लोहे को या दीवार में मारें, बच्चे मारते हैं दीवार में वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं, सैंड बैग हैं, सैंड बैग पर आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, बच्चियों को कभी इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ी हो और वो वाक़ सुनाएं तरगीब के लिए? सर, कई दफ़ा जी, वो कई दफ़ा हमारे ना एक दोस्त हैं कर्नल रजाक साहब, वो बेटी माशाल्लाह हमारे पास रेलवे स्टेडियम में आती थी, हमारा क्लब स्टेडियम में, रेलवे स्टेडियम में, हॉल में, रेलवे स्टेडियम गड़ी शो में। सर अच्छा, गड़ी शो में, ये जो ठीक है जी, उसके हॉल में हमारी क्लब है, तो वो एक दिन आई तो उसने आके ना अपना यूनिफॉर्म यूँ फेंका, जाहिर है कर्नल साहब की बेटी तो गुस्सा तो होगा ना सर, और माशाल्लाह कदावत, और क्रिकेट की वो बाद में ऑस्ट्रेलिया से, उसने ऑस्ट्रेलिया में कराटे को भी उसने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान की तरफ से 2003 में, बाद में वो क्रिकेट की बड़ी अच्छी उसने कोर्सेज कर लिया, अब इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में ही सिटीज़न हो गई है, बिकॉज इधर उसको यू नो दैट के जो लोग जो उसे ना बर्दाश्त नहीं करते कि आपने कोर्सेज कर लिए, इधर वो कोर्स नहीं किसी ने किया, वो सर घर से आती थी जिधर से
पैदल आती थी स्टेडियम तक, तो रास्ते में उसको कोई आवाज़ देता था कि ना लाइक दिस। तो वो एक दिन उसको गुस्सा चढ़ा तो आके उसने यूनिफॉर्म यूँ फेंका, मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ और बोला जी ऐसे फेंक, ये चीज़ फेंक, ये चीज़ फेंक। मुझे बाकी सीनियर मेंबर कहते हैं, कहते सर ये कोई ना आप ही के सर पे काम हुआ है, आज कोई गड़बड़ गया। मैं कह चुप कर दो, देखते हैं। अंदर गई, चेंज करके आई, आके ना कहती है जी क्या फ़ायदा कराटे का। मैंने कहा बट डू यू मीन, कहती है जी वो मुझे रोज़ एक बंदा जो उससे आवाज़ें कसता है। मैंने कहा बीबी इसमें कराटे का क्या कसूर है, कसूर तो आप कह के आपने ब्लैक बेल्ट बांधी हुई है, इसको थ्रो करो छोड़ो दफा करो। वो सर मैं मारू, मैंने कहा मारो। अगले दिन जी हमने प्लान किया, हमने उसको नहीं बताया, जो सीनियर ब्लैक बेल्ट थे हमारे, हमने उनको कहा जी आपने मुख्तलिफ कॉर्नर्स में खड़े हो जाने, इन्होंने जब आने अपने ध्यान रखने, बस देखने होता क्या है। नो जी नेक्स्ट डे व्हेन शी केम, तो वही हुआ जिसका डर था। उस बंदे ने आवाज़ दी, उसने उसको यूं करके बुलाया, उस बंदे ने कहा लो जी मेरा काम हो गया। वाकई उसका काम हो गया, बच्ची गिरी मारी फेस के ऊपर, पूरी शिन उसने मारी मुंह के ऊपर। वो बच्ची टॉल हाइटेड, उसने किक मारी उसके मुंह के ऊपर, वो धड़ाम जमीन पे। जाहिर है वो इलाका उनका था, और लड़के आगे एकदम, और हमने देख लिया तुमने मारा। ये जितने ब्लैक बेल्ट उसकी सिक्योरिटी पे थे सारे आगे हो गए, इन्होंने उनको पकड़ लिया। फिर उधर उस दिन बड़ा अच्छा एक शोर शराबा मचा, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं मचा, क्योंकि उसके बाद वो क्लब भी आया हमारे अपने बंदों के साथ, कुछ वो लोग जो काउंसलर टाइप होते हैं, हमने उनको बुला लिया। उसने आगे कहा जी बाजी को गलत फहमी हुई है, मैंने इनको कुछ नहीं कहा, वो किसी और ने कहा था। वो कहती ये रोज़ करता था यूँ, आज इसने बाजी कह दिया, ओके छोड़ दें। करते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि आपने जब किसी को हिट करना है तो उसके बाद आपने वहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि आपके पास एज के साथ साथ इनको ना जी तमाम टेक्निक्स का पता चलता जाता है। हर फाउल टेक्निक हम इनको बताते हैं। रिंग में आपने देखा होगा किसी ने फाउल नहीं मारा, खुदा ना खास्ता सड़क के ऊपर लड़ाई हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी की ये मदद करने के लिए गए हैं, तो मेरे साथ होते हैं। मेरी कजन्स कोई 10 साल पहले अमेरिका से आई थी, 10 साल पहले आप खुद सोचे, अभी मैं थोड़ा सा पेट निकल आया, उस वक्त नहीं था, तो वो मेरे साथ नारकली गई हैं। तो वो नारकली वालों को पता चल जाता अमेरिकन आई थी, जाहिर है कि वो जो उनके पहनावे हैं 20 साल से वो वहाँ पे थी। तो नारकली में हम जा रहे हैं तो वो एक लड़के ने एक दफ़ा चक्कर लगाया, मैं थोड़ा सा यूँ हूँ कि ना जाहिर है हम तो इधर ही हैं, उसने दूसरा चक्कर लगाया। तो वो मेरी जो कज़न साथ थी उन्होंने कहा कि ये बंदा चक्कर लगा रहा है, इसका क्या करना है। मैं कहा अब नहीं आएगा, कहती क्यों। मैंने कहा ये तीसरा चक्कर, इसका आखिरी चक्कर। हुक्म है कि किसी के घर जाएं तो 3 दफ़ा नॉक करें, 1 2 3। तो मैंने उसको तीसरा चांस दे दिया, क्योंकि मेरा जो उस्ताद है मात्सुशिमा उसने कहा है कि लड़ाई करो और जब उसका एंड हो तो थाने में जाके हो। अगर लड़ाई ऐसी नहीं करनी कि बदतमीजी कुत्तू मैं गाली गलौज, लो लड़ना ही नहीं है, जब लड़ना है तो फिर थाने जाके ख़त्म होनी है बात। सेम मासूम भी नहीं आया। तो जी तीसरी दफ़ा वो आया, वो ज़ाहिर अच्छा था, मैं शॉर्ट हाइटेड, मैंने ये उंगलियों की बड़ी प्रैक्टिस की हुई है मेरे पास ना कई किस्म के, मैं बाइक भी जाता हूँ, जापान मेरे 5 टूर हैं, ऑस्ट्रेलिया गया, यूरोप के मेरे 3-4 टूर हैं, श्रीलंका के कोई 8-10-12 हैं, अभी अभी हम जकार्ता गए हुए थे, इंडोनेशिया उधर भी मैं रेफरी था, मोस्टली मैं रेफरी रहा हूँ। चला होना वो सामने से आया तो मैंने ये उंगली जो थी उसके सामने यूं करके ऐसे करके मारी, टुक की आवाज़ आई, वो वहीं स्टंट हो गया। तो मैंने अपनी कदम को कहा आ जाए, कहती क्यों क्या हुआ। मैंने कहा अब नहीं आएगा, वो मुझे कहीं किया क्या तुमने, और वो बंदा वाकई नहीं आया, क्योंकि जिसका सांस उखड़ जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो वो आज भी वो मुझे कहती है मैं कहा आज, तो ना हम मिल के वहाँ पे ना क्लब बनाते हैं कराटे का। तो मैं उनको कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, मैं इधर ही ठीक हूँ। एम फिल सर मैंने करनी है, कल आपसे बात भी हो रही थी, तो PhD करनी है, तो ये बच्चे भी मेरे बढ़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इनके साथ ही करता हूँ। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, मेरा टीम के ऊपर यही होता है सबके, और मेंबर्स हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं देखिए को मस्ट बी ना ऑलमोस्ट ग्रेजुएट। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो?